गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एज ए सब्जेक्ट चैप्टर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू COVID-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट पॉवर्टी एवेल्यूशन प्रोग्राम PAP इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द स्कीम्स प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सेकंड वाज प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान्स एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स एंड आफ्टर दैट ई नेम स्कीम्स एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सेकंड पॉइंट विच वाज फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय एंड टुडे वी स्टार्ट द थर्ड पॉइंट विच वाज दीनदयाल उपाध्याय ऑफ ग्राम ज्योति योजना. लेट्स रीड द पैरा फर्स्ट. दिस प्लान इज एन effort to supply electricity to the rural area without any hindrance and 24/7 days and night providing electricity at homes and farms at concessional rate and lay down new lines to take electricity sub facility for 18,000 villages which do not have electricity, setting up new electricity substations and helping farmer by providing subsidy to purchase equipment for agricultural sector so that poor farmers may get a support to increase income. Subsidy is also provided for obtaining electricity through solar energy and to purchase solar technical equipments. तो यहाँ पे देखो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में क्या था, तो यहाँ पे जो है छोटी सी गवर्नमेंट द्वारा कोशिश की गई है कि सब जगह पे जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए रूरल एरियाज में, यानी जो गांव एरिया है ग्रामीण एरिया है उस जगह पे जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाया जा सके और ये इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे और सातों दिन होने चाहिए, यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो किसी भी घर में और सब घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना चाहिए. तो ये गवर्नमेंट की कुछ कोशिश थी और इसी के लिए जो है गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है हर घर को, वो भी कंसेशनल रेट पे, यानी कम रेट पे, रीजनेबल प्राइस पे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है. और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है नए नए लाइन्स भी लगाए हैं इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देने के लिए. लगभग जो है 18,000 गाँवों में जो है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हुआ है, ठीक है. और ऐसे गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं थी, ठीक है. और यहाँ पे बहुत सारे जो है सब स्टेशन उन्होंने बनाए भी है और फार्मर लोगों को सब्सिडी भी दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि फार्मर लोग जो है वो पैसे से जो है अपने लिए सोलर इक्विपमेंट्स खरीद सके जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो सके, ठीक है. और इसीलिए जो है गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है जिससे वो सोलर टेक्निकल इक्विपमेंट्स ले सके, ठीक है, और अपने एग्रीकल्चर को और बढ़ा सके, ठीक है. तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है रूरल एरिया में, ठीक है. और उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी. आदिवासी वुमेन्स आर प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग्स एंड गाइडेंस फॉर लाइव स्टॉक्स रियरिंग अंडर कंप्रेहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेपर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग पेवेलियन पेंडल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग एक्सेट्रा समरस होटल्स एंड समरस स्मार्ट आश्रम्स आर ऑल्सो एस्टैब्लिश. तो देखो यहाँ पे जो है सब्सिडी स्कीम बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है, तो आदिवासी लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे आदिवासी लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए जो है ये योजना बनाई गई है, जहाँ पे आदिवासी औरतों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो घर पे बैठे बैठे भी जो है कुछ काम कर सके. और इसके अलावा एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में भी आदिवासी लोगों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके क्रॉप को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, यानी उनकी हेल्प की जा रही है, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं उनकी हेल्प की जा रही है और उन्हें आदिवासी जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहते हैं उन्हें ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ग्रेडिंग से, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ को चालू करके, ये सब चीज़ें जो होके करके क्या हो रहा है तो आदिवासी लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो ये योजना का मेन मकसद ये है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके और उनकी गरीबी किस तरह से दूर की जा सके, और यही स्कीम का मेन मकसद है, ठीक है. और उनका डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोग पढ़े लिखे ये सब हो, और इसीलिए जो है ये चीज़ ये स्कीम निकाली गई थी, ठीक है. और फिफ्थ है एनकरेजमेंट टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दिस हेल्पिंग फार्मर इन रजिस्ट्रेशन पेइंग फीस हेल्पिंग इन परचेसिंग फार्म प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट जो है फार्मर की मदद करती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फीस पे करने के लिए और फार्म प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और ट्रेनिंग और एजुकेशन भी देती है फार्मर को और
फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है, यानी लोन भी देती है, वो भी छोटे इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर मार्केट भी उन्हें बना के देती है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके, ठीक है। अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और जितना हो सके गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है कि फार्मर लोगों का कम खर्चा हो और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा फायदा हो। तो इस स्कीम का मेन मकसद यही है कि ऑर्गेनिक फार्मर को फार्मिंग जितना हो सके वो आगे बढ़े और फार्मर जो है वो फ़ायदा कमा सके, इसका मेन मकसद ये है, ठीक है। उसके बाद आता है चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का विलेज रोड स्कीम है, उसके अंदर के अंडर क्या है, तो क्या प्लानिंग की गई है उसके बारे में हम देखते हैं। अंडर दिस प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू रोड विलेज पंचायत वेयर हेल्प टू कनेक्ट विलेज विद वन अनदर थ्रू रोड एंड हाईवेज प्रोग्राम्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो ये देखो, ये प्लानिंग के हिसाब से जो है गवर्नमेंट मदद कर रही है और पंचायत जो गांव की पंचायत है वो भी मदद कर रही है कि गांव में जो है रोड ये सब बन सके और जिससे एक गांव दूसरे गांव से कनेक्ट हो सके रोड द्वारा या तो हाईवे द्वारा, ठीक है। और इसीलिए प्रोग्राम्स भी बहुत सारे किए जा रहे हैं जिससे लोग और भी मतलब डेवलप हो, इसलिए जो है टॉयलेट बनवाना ये सब चीज़ें भी हो रही है, ठीक है, सब जगह पर। उसके बाद सेवन्थ है माँ अन्नपूर्णा योजना। अंडर दिस प्रोग्राम एब्सोल्यूट पुअर फैमिली एंड पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सिटी एंड विलेज आर गिवन 35 kg फूड ग्रेन्स पर फैमिली एवरी मंथ बाई गुजरात गवर्नमेंट विच इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द पुअर पीपल ऑफ मिडिल क्लास आर गिवन 5 kg फूड ग्रेन्स एट लोअर रेट। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो माँ अन्नपूर्णा योजना के हिसाब से जो है गवर्नमेंट ने ऐसे लोग जो सिटी एरिया में बहुत ही ज़्यादा गरीब है जो विलेज एरिया में जो गरीब है उनको जो है पर फैमिली जो है 35 kg फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो गरीब लोग मिडिल क्लास वाले हैं, ठीक है, उन्हें जो है 5 kg फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है वो भी लोअर रेट पे, ठीक है। और इन बीच उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, तो देखो वीट आती है, ये क्या पर पर्सन के हिसाब से दिया है, 5 kg पर पर्सन के हिसाब से, जिसमें वीट होता है 2 rupees पर केजी का और राइस होता है 3 rupees पर केजी का, ठीक है। एट फेयर शॉप्स 3.82 crores हु आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, और इसके अंदर 3.82 लोग जो है इस स्कीम के अंडर आते हैं, ठीक है, जो इनकी इसकी मदद लेते हैं, ठीक है। यानी ये राशन शॉप्स ये सब जो है इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, तो लोअर प्राइस में जो है जनता को जो है अनाज प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये स्कीम में लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो 3.82 crore लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच ए लार्ज सम ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड विल बी सेव ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, और इससे क्या हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों का जो है पैसा बचता है और कम दामों पे चीज़ मिलने की वजह से जो है जो खर्चा उनका ज़्यादा होता था वो खर्चा अब कम हो जाता है और वो सेविंग में बदल जाता है। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इज टू ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ पीपल, और इस स्कीम का मेन मकसद क्या है कि लोगों के चेहरे पे जो है खुशी लाई जा सके, और बिकॉज दे वुड बी स्पेंडिंग देयर सेविंग टू परचेस वन अदर थिंग्स, ठीक है। और इसका इससे क्या हो रहा था इससे पहले, यानी जब ये सब नहीं हुआ था तब क्या हो रहा था, तो लोग जो है ज़्यादा खर्चा कर रहे थे और वो सेविंग नहीं कर पा रहे थे और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे कम दामों पे अनाज मिलेगा तो जो उनकी बेसिक नीड है उसका खर्चा थोड़ा बच जाएगा और उस पैसे से सेविंग हो जाएगी और उससे वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज टू सिटी, फॉर दिस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंप्रूव एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी इन द विलेज एडॉप्टेड बाय देम इन देयर कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड थस दे सेट अप आइडल विलेज अदर देन दिस टू क्रिएट परमानेंट पब्लिक एसेट टू डेवलप अपॉर्चुनिटी फॉर गुड लाइफ एंड रूरल अपलिफ्टमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल हार्मनी एंड इंक्रीजिंग डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो सांसद आदर्श ग्राम योजना के हिसाब से क्या है, तो इस स्कीम में जो है गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि जो गांव के लोग हैं वो शहर में ना जाए, ठीक है, यानी माइग्रेट होकर वहाँ सेटल ना हो जाए, और इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है लगातार जो है गांव में जो है डेवलपमेंट कर रही है, जिसमें वो क्या क्या चीज़ें सुधार रही है, तो एक तो एजुकेशन फैसिलिटी सुधार रही है, हेल्थ फैसिलिटी सुधार रही है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा रही है जिससे लोग जो है अपने गांव में रह के ही जो जॉब पा सके और अपने घर का गुजारा चला सके और डेवलप भी हो सके, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है लगातार जो है गाँव को ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो और लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका बढ़े, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पे है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है,
तो ये एक और स्कीम एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मैनरेगा प्रोग्राम हैज़ बीन पॉपुलर विथ द स्लोगन अवर विलेज अवर वर्क अलॉन्ग विथ रीजनेबल प्राइस. ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनकरेज लिवलीहुड फॉर फैमिली और एडल्ट लिविंग इन रूरल एरिया ऑफ स्टेट हु कैन डू फिजिकल लेबर थ्रू अनस्किल बट आर willing to work for this purpose. One person from every family is guaranteed wage employment for at least 100 days 7 hours per day in a financial year. तो यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है स्कीम के हिसाब से. तो मनरेगा प्रोग्राम जो है इसमें क्या है, तो गांव में जो है काम दिया जा रहा है हर फैमिली के एक इंसान को, जिससे क्या होगा उनके घर का जो है उन्हें कम से कम गुजारा करने का पैसा तो मिले, ठीक है. और इसको बोलते हैं 100 दिनों का काम बोलते हैं जिसे, ठीक है. और इसमें मजदूर लोगों को लिया जाता है, ठीक है. और मजदूर लोगों को 100 दिन का काम दिया जाता है जिसमें हर दिन के जो है 7 घंटे होते हैं और उस 7 घंटे में जो है उन्हें काम करना होता है, ठीक है. और इसका गारंटी जो है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जो है गारंटी उनको एम्प्लॉयमेंट देती है और इसमें वेजेस भी फिक्स मिलता है, ठीक है. और द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द वेज रेट अकॉर्डिंगली इट्स पे डेली वेजेस, ठीक है. और इफ़ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन हैज़ पर द रूल. तो देखो यहाँ पे तो है गवर्नमेंट ने जो है एक कार्ड भी बनवा के देते हैं ऐसे मजदूरों को, 100 दिन का काम जो है गवर्नमेंट उनको गारंटी देगी और वेजेस भी उतना पे करेगी. अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है उतने काम देने में तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है, ठीक है. यानी उनको पैसे तो उन्हें देने ही पड़ते भले उन्होंने काम किया हो और ना किया हो, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मजदूर लोग जो थे वो काम करने के लिए तैयार थे मगर गवर्नमेंट के पास इतना काम नहीं था, तो भी गवर्नमेंट जो है उन्हें पे करती है, ठीक है. इन दिस वर्क लाइक वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट. तो देखो इसमें कौन से तरह के काम दिए जाते हैं, तो देखो जैसे गांव के कुछ डेवलपमेंट का काम हो या फिर पर्सनल टॉयलेट बनवाने का हो या कुएं बनवाने का हो या लैंड प्लेन करने का हो, लेवल करना हो, ठीक है. यानी ज़मीन को लेवल करना का काम हो, हॉर्टिकल्चर का हो या लेबर वर्क हो, ये सब काम जो है उन्हें सौंपा जाता है. ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए भी है, इसके अलावा जानवरों के लिए शेड बनाना, फीस के यार्ड में जो है काम करना, कैनल साफ करना, वाटर स्टोर करना, ये सब जो है ट्री प्लांटेशन, ये सब जो है इस काम में इंक्लूड होता है, ठीक है. और बाय गारंटी डेफिनेट वेजेस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस टू एवरी फैमिली. और यहाँ से गवर्नमेंट जो है हर फैमिली को जो है गारंटी एम्प्लॉयमेंट देती है और इससे क्या होता है गरीब लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बहुत सुधर जाता है क्योंकि वहाँ से उनकी सेविंग्स भी होती है. 10th नंबर पे मिशन मंगलम, ठीक है. थ्रू इस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैड यूनाइटेड वुमन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन साक्षी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग रूम. हियर दे आर गिवन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सो दैट दे मे जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम सेल्फ थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्री सर्कल एंड कम आउट ऑफ द वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बाय प्रिपेयरिंग पापड़ पिक्कल अगरबत्ती एक्सेट्रा, ठीक है. तो देखो मिशन मंगलम जो है इससे स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये स्कीम बनाई है लोगों औरतों के लिए, जिससे जो भी औरत जो गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है, यानी जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है वो एक साथ मिल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और कुछ ऐसे काम कर सकते हैं. और उसमें जो है गवर्नमेंट के जो है कुछ एक्सपर्ट्स और स्किल पर्सन आते हैं जो उन वुमन्स को जो है सिखाते, ठीक है. और सिखाने के बाद वुमन्स इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो अपने लिए खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ें बना के, ठीक है, और खुद ही पैसे कमा सकते हैं जैसे पापड़, अचार, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें जो है ऐसी हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है जो घर से बैठे बैठे जो है औरत लोग काम करके जो है कमा सकते हैं, ठीक है. तो ये मिशन मंगलम के हिसाब से जो है गवर्नमेंट जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है औरतों को और औरतों को अलग अलग काम सिखाए जाते हैं जिससे वो घर पे बैठे भी ये काम को कर सके और इससे पैसे कमा सके, ठीक है. उसके बाद 11th नंबर पे है दत्तोपंत तेगड़ी ब्याज सहाय योजना. थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू आर्टिसंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेस रॉ मटेरियल. तो ये देखो ये स्कीम के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करती है आर्टिसन को जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री में जो हैंडलूम का काम करते हैं उन लोगों को जो है लोन प्रोवाइड करती है जिससे वो रॉ मटेरियल खरीद सके और इसके जो लोन भी प्रोवाइड करती है ना वो भी लो रेट में होता है, ठीक है. इसके बाद 12th नंबर पे ज्योति ग्रामोदय विकास योजना. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अनएम्प्लॉयड इन द रूरल एरिया टू इंक्रीज इनकम एंड सेटअप इंडस्ट्री बाय गिविंग देम
इकोनॉमिक हेल्पलाइन सब्सिडी। तो देखो इस स्कीम के हिसाब से क्या होता है कि जो भी लोग जो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड है और उनके पास पैसे नहीं है और वो अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उसको जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है और सब्सिडी देती है, जिस और इसके अलावा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है, लैंड और इकोनॉमिक हेल्प करती है, जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो है यानी अनएम्प्लॉयड लोग जो है वो अपने लिए खुद की एक इंडस्ट्री डाल सके। ठीक है, और इसके बाद 13 नंबर पे आता है वाजपेयी बैंकेबल योजना। अंडर द स्कीम अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयड ऑफ एज ग्रुप 18 to 65 हु आर एजुकेटेड टिल फोर्थ स्टैंडर्ड्स आर गिविंग ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम के हिसाब से अर्बन एरिया में रूरल एरिया में जितने भी लोग 18 साल के या तो 18 साल से लेकर 65 साल के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने फोर्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है तो उन्हें गवर्नमेंट जो है ट्रेनिंग देती है, सो दैट दे मे सेट अप इंडस्ट्री और कैरी आउट ट्रेडिशनल क्राफ्ट। ठीक है, और इस ट्रेनिंग देती है कि वो इंडस्ट्री अपना मतलब बना सके और कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट का काम कर सके। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट कुछ अमाउंट भी उन्हें प्रोवाइड करती है जिससे वो खुद अपनी इंडस्ट्री डाल सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सके। ठीक है, और थ्रू एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंट प्लान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 10 लाख पीपल बाय सेटिंग अप एग्रो फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग यूनिट अलोंग विद द हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस फूड प्रोडक्ट सो दैट पॉवर्टी मे बी रिड्यूस। और 2006 के एग्रो बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्लान बनाया था जिसमें एम्प्लॉयमेंट दिया गया था लगभग 10 लाख लोगों को, जिसमें वो अपना एक इंडस्ट्री खोल सकते थे, एग्रो फूड बेस्ड प्रोडक्ट जो है मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते थे, और इसी से जो है पॉवर्टी थोड़ी बहुत कम भी हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तो इसके जितने भी पॉइंट थे यानी पॉवर्टी एवेल्यूएशन प्रोग्राम्स के, वो पॉइंट जो है अपनी नोट में लिख के रखना है। थैंक यू।